आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से इस सावन के पवित्र मास में बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, अभिनंदन है। अभी अपने लिए ताली बजा लीजिए। ये हमारे यहाँ एक हाथ की ताली होती है जो साउंडलेस है, जो जो पीस के इन्वायरमेंट को सस्टेन करती है। तो जैसे कि हमारा विषय है डिवाइन लव, ट्रू प्रोटेक्शन। वैसे देखा जाए आज का दिन बहुत ही खास है, स्वतंत्रता दिवस भी है और विशेष रूप से जो रक्षा बंधन है उस रीति से भी हम यहाँ आए हैं, तो स्वतंत्रता भी और बंधन। तो यदि देखा जाए दोनों ही शब्द अपने आप में अपोजिट है, समझते हैं? दोनों ही शब्द अपने आप में अपोजिट है, स्वतंत्रता भी और बंधन भी। ना बंधन किसी को प्यारा नहीं लगता है, लेकिन तो भी हम रक्षा बंधन बनाते हैं। किसी को बंधने और बंधना अच्छा लगता है? नहीं, किसी को अच्छा नहीं लगता, तो भी हम रक्षा बंधन बनाते हैं। हम रक्षा संबंध नहीं कहते, रक्षा बंधन कहते। तो कैसे इस रक्षा बंधन में और सम और जो स्वतंत्रता है और रक्षा बंधन, इसका आपस में क्या कनेक्शन है और कैसे उस डिवाइन। रक्षा बंधन में हम बंध जाएं और हमारी और हम फ्री भी रहें ना, एक ट्रू इंडिपेंडेंस को हम प्राप्त करें, ट्रू फ्रीडम हम फील करें। तो इस विषय पर प्रकाश डालेंगे, हमारे बीच में आए हैं श्री फोर्ट से रमा दीदी जी। रमा दीदी को मैं वेलकम करती हूँ। चाहती हूँ कि आप श्री फोर्ट में करीबन 20 सालों से, 25 सालों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं और 40 सालों से, यूथ एज से ही आप ब्रह्मा कुमारी परिवार से जुड़े हुए हैं। पूरी फैमिली आपकी जुड़ी हुई है ब्रह्मा कुमारी परिवार से। और हमारा जो आईटी विंग है ब्रह्मा कुमारी, इसका जो आईटी विंग है उसके आप जोनल कोऑर्डिनेटर हैं। साथ ही साथ श्री फोर्ट में रह के साउथ दिल्ली के जितने भी ब्रह्मा कुमारी के सेंटर्स हैं, तो उनको आप उनका भी मैनेजमेंट आप देखते हैं। तो अभी मैं रिस्पेक्टेड लविंग हमारी रमा दीदी को इनवाइट करना चाहूंगी। हम बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत खुशनसीब हैं कि हमारे बीच में हमारे आदरणीय गेस्ट मेहमान भी पहुंच गए हैं। उनका भी बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है, अभिनंदन है, अभिनंदन है। तो मैं बहनों से अनुरोध करूं, हमारे आदरणीय अतिथियों का भी स्वागत करेंगे। अभिवादन अभिनंदन अतिथि विशेष माधव वैद्य हमारे। जी, आप इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में चेयरपर्सन हैं एंड सुरेखा वैद्य जी आप भी साथ में हैं, तो आपका भी बहुत बहुत वेलकम। आए हैं जो आप, गुलिस्तां खिल गए, फीके नजारों में रंग भर गए, सुनी इस महफिल में आप आ गए, आपसे ही हम सब में सुरूर छा गए, सुरूर छा गए। आपका बहुत बहुत स्वागत। तो अभी बुके के द्वारा भी आपका स्वागत करेंगे। अतिथि विशेष हमारे। जैसे मेधावैन ने बताया, आज का जो विषय है डिवाइन लव, ट्रू प्रोटेक्शन। तो प्रोटेक्शन तो हम सभी चाहते हैं, जो भी ह्यूमन बीइंग है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बहनें माताएं प्रोटेक्शन चाहती, सभी को प्रोटेक्शन चाहिए और अलग अलग तरह की प्रोटेक्शन चाहिए। क्योंकि कलयुग में रहते हैं तो बहुत सारे परिस्थितियां हैं, चैलेंजेस हैं, और कब किस तरह की परिस्थिति आ जाए उसमें हमारा प्रोटेक्शन होता कैसे है। कई लोग समझते हैं कि जब हम दिल से दुआ मांगते हैं, प्रेयर करते हैं, तो भगवान हमारी रक्षा करते हैं। तो हमारा सुप्रीम प्रोटेक्टर भगवान ही है, ये तो हम सब
एक्सेप्ट करते हैं ना, लेकिन भगवान भी किसकी प्रोटेक्शन करते हैं, कहते हैं ना, गॉड हेल्प्स देम दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो परमात्मा हमारी रक्षा के लिए बंधे हुए हैं, लेकिन उसके लिए हमें अपने को एक कमिटमेंट में बांधना होता है। परमात्मा भी कैसे बंधे हुए हैं? वो उस आत्मा की रक्षा के लिए बंधे हैं जो अपनी पवित्रता की रक्षा करते हैं। क्योंकि अगर हम ही अपनी पवित्रता को, अपनी जो हर ह्यूमन सोल के अंदर एक इननेट गुडनेस है, एक क्या कहेंगे, स्वाभाविक अच्छाई है, कैसे माने ये? क्योंकि आज हम बहुत सारे ऐसे वारदात सुनते हैं, ऐसा न्यूज़ सुनते हैं जिसमें हमें लगता है कि सब अच्छे नहीं है, ऐसा लगता है ना, हम ऐसे ऐसे बातें अनुभव देखते हैं, पढ़ते हैं, तो हमें लगता है कि सब तो अच्छे नहीं हो सकते। हमारे माइंड में एक पोलैरिटी है कि दीज आर गुड पीपल, दीज आर नॉट सो गुड। तो इस स्पिरिचुअल ज्ञान को जब हम समझते हैं कि हम कौन हैं, मैं कौन हूं, हमें सबसे पहले ये अनुभव हमें कराया जाता है कि आप एक स्पिरिचुअल बीइंग हो, एक रूहानी चैतन्य शक्ति हो। ये बॉडी तो हमारा सिर्फ एक माध्यम है, एक मीडियम है जिससे हम कर्म करते हैं। तो हर ह्यूमन बीइंग, दो शब्द है ना, ह्यूमन और बी, तो बीइंग माना वो आत्मा, वो रूह, वो चेतना, लेकिन हर ह्यूमन बीइंग प्योर है या इननेटली गुड है। इसको हम कैसे समझें? अगर आप पूरे दुनिया में हर एक ह्यूमन बीइंग से एक प्रश्न पूछो कि आपको क्या चाहिए, तो क्या उत्तर मिलेगा? कई बातें सुनने को मिलेंगी कि कोई कहेगा हमें बहुत तरक्की चाहिए, पैसा चाहिए, पावर चाहिए, या शांति चाहिए, कुछ तो। लेकिन आप पूछते जाएंगे तो अंत में कोई ना कोई वैल्यू की ही बात आएगी। या तो कहेंगे खुशी चाहिए, सुख चाहिए, शांति चाहिए, सेफ्टी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, यही बोलेंगे ना। तो हर मनुष्य आत्मा चाहती क्या है? व्हाट डू वी सीक, व्हाट डू वी डिजायर फॉर? ये एक पैराडॉक्स है। पैराडॉक्स माना विरोधाभास। आप देखिए ह्यूमन नेचर को अगर आप स्टडी करते हैं, हम अपने आप को भी स्टडी करें तो ये आंसर मिलेगा। सपोज कोई जैसे लेट्स से करप्ट है, बेईमान है, हम बेईमानी से जी रहे हैं, बेईमानी से कमा रहे हैं, चीट कर रहे हैं दूसरों को, और वो उनका तरीका है, वो उनका काम ही ऐसा है, धोखा देना, चीट करना, और अपना जो भी है कारोबार वैसा चल रहा है। लेकिन वो व्यक्ति जो बेईमानी से जी रहे हैं या बेईमानी कर रहे हैं, चीट कर रहे हैं, वो अपने लिए भी क्या चाहेंगे? वो ह्यूमन बीइंग जो अंदर से जानते हैं कि हम चीट कर रहे हैं, या जो भी है, जो भी हम कर रहे हैं वो एथिकल नहीं है, लेकिन वो अपने लिए क्या चाहेंगे? ईमानदारी, अपनी टीम से, अपनों से, जिनसे भी वो डील करते हैं उनसे कभी चाहेंगे कि कोई मेरे साथ बेईमानी करे? ऐसा होगा? डिसऑनेस्ट पर्सन भी ऑनेस्टी चाहते चाहते हैं ना, अपने लिए, खुद ऑनेस्ट नहीं है लेकिन अपने लिए क्या चाहते हैं? सच्चाई, लॉयल्टी, ऐसे अच्छे वैल्यूज ही चाहते हैं ना। क्यों? व्हाई डू वी रेजिस्ट ईविल? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई भी ह्यूमन बीइंग है जो अपने लिए ईविल चाहता है, वो खुद ईविल हो जाता है, उसका एक कारण है।
लेकिन अपने लिए हम इविल नहीं चाहते हैं, क्यों? जितने भी नेगेटिव क्वालिटीज हैं, दुख है, अशांति है, असत्यता है, या जो भी है, वो सब हम अपने लिए नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते? क्योंकि हमारा वो स्वभाव ही नहीं है। स्व का भाव, नेचर, द वे वी आर मेड, जैसे फिश है या ह्यूमन बॉडी है, दोनों में एक फर्क है। फिश का बॉडी भी 5 तत्वों से बना है, ह्यूमन बॉडी भी 5 तत्वों से बना है, लेकिन दोनों का जो रचना है थोड़ा सा अलग है। फिश को जल में डाल दो तो वो खुश है, ह्यूमन बीइंग तो नहीं रह सकता ना जल के अंदर। फिश को धरती पे ले रख दो तो वो अनकंफर्टेबल होगा ना। तो ऐसे ही जब हमें कोई चीट करे, गुस्सा करे, हमें किसी भी तरह का नेगेटिव बिहेवियर दिखाए, हम कंफर्टेबल होते हैं? नहीं होते ना। क्यों नहीं होते? क्योंकि वो हमारा नेचर नहीं है, स्वभाव नहीं है। स्व का भाव, नेचर। नेचर किसको कहते हैं? जैसे आप देखिए, ये फूल हैं, इनका नेचर क्या है? कोई खुशबू होगी इनमें, एक रंग रूप है। चंदन की लकड़ी है, उसका नेचर क्या है? उसका एक इननेट, एक डिस्टिंक्ट फ्रेग्रेंस है ना। अब उस चंदन के लकड़ी को आप मंदिर में रखो, कहीं भी रखो, या डस्टबिन में डाल दो, उसका नेचर चेंज होता है? होता है? नहीं होता। तो हमारा जो नेचर है, ह्यूमन नेचर, प्रभावित होता है। हम इनेटली अच्छे हैं। आप 24/7 शांत रह सकते हैं, रह सकते हैं, लेकिन 24/7 गुस्सा कर सकते हैं? गुस्सा आता है लेकिन फिर चला भी जाता है। नहीं, कोई कारण होता है जो उस गुस्से वाले बिहेवियर को, संस्कार को ट्रिगर करता है, लेकिन वो कारण नहीं है तो हमारा नेचर कैसा होता है? शांत। ऐसा ही है ना। आप 10 में से शायद एक को डिसलाइक कर सकते हैं, सभी को डिसलाइक कर सकते हैं, नफरत कर सकते हैं, नहीं। एक टेररिस्ट होगा, वो भी प्रेम करता है अपने, जो जिनको वो अपना फेलो फेलो या कम्युनिटी का मानता होगा, नहीं? तो आप देखिए, हर ह्यूमन बीइंग का नेचर क्या है? गुड है, डिवाइन है। सिर्फ फर्क क्या है? जिस परिस्थिति या जो भी जर्नी से हर एक गुजर रहा है, उसमें परिस्थितियां जब आती हैं, कोई आत्माएं उसमें भी राइट चॉइस करती हैं और कोई आत्माएं उसमें रॉन्ग चॉइस करती हैं। तो इसीलिए आप देखो, हर हिंदी में हर अवगुण को कैसे बोलते हैं, शांति अशांति, सत्यता असत्यता, पवित्रता अपवित्रता, ऐसे ही बोलते हैं ना, मतलब माइनस समथिंग। तो जो हम हैं, हम कौन हैं? शांत स्वरूप, पवित्र स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, गुड सोल्स। लेकिन वो जब थोड़ा थोड़ा कम होने लगता है, हम उसके आगे अ लगा देते हैं, अशांत अपवित्र। तो हर एक हम में से जितने भी ह्यूमन सोल्स हैं इस पृथ्वी में, सब ईश्वर के बच्चे हैं, ईश्वर की रचना है। तो ईश्वर कुछ ईविल तो क्रिएट नहीं करेगा? करेगा? करेगा क्या? नहीं। तो हर एक का इनेट नेचर डिवाइन है। इसीलिए तो आप देखो, जो बड़े बड़े प्रॉफिट्स हैं, क्राइस्ट, बुद्ध, नानक, और भी संत, उन सब की अगर जीवन कहानी आप पढ़ो,
ऐसा तो नहीं है कि उनका जो यात्रा थी बहुत इजी थी, नहीं, उनके जीवन में ऐसे वृत्तांत हैं, ऐसे एनेक्डोट्स हैं जो जिसमें ये दिखाया जाता है कि उनके सामने भी ऐसे राक्षस और आसुरी प्रवृत्ति के लोग आए, लेकिन उनके संग में आते ही परिवर्तित हो गए। कैसे हुआ, ऐसे कैसे हुआ? वो एक दर्पण थे, दर्पण में क्या दिखता है? दर्पण के सामने हम जाते हैं तो क्या दिखता है? अपना ही रिफ्लेक्शन दिखता है ना। तो बुद्ध के आगे अंगुली माल आए, अंगुली माल आए, स्टोरी सुनी है ना। हाँ, वो क्या करते थे अंगुली माल? उसको मार के, उनके अंगुली को काट के उसका हार बनाते थे। तो वो कहते हैं ऐसा कहानी कि वो जा रहे थे, अब बुद्ध अपने उस क्या बोलते हैं, ट्रांस में, उसमें जा रहे थे। टोटली एक शांति का, क्या बोलेंगे, एक प्रतीक, बुद्धा का स्टैचू देखो, हम ब्रह्मा बाबा को देखते हैं, दादियों को देखते हैं, तो उनके स्वरूप में ही क्या दिखता है, ऐसे वो जा रहे थे। तो कहते हैं, ये स्टोरी बताते हैं, रियल में भी थे अंगुली माल, तो बोला स्टॉप, रुकिए, क्योंकि उनके लिए तो वो अगला विक्टिम है, पर वो अपने मस्ती में, नशे में थे, तो चलते गए चलते गए। तो इसने जोर से बोला, रुको। तो ऐसे बताते हैं कि वो रुके, उन्होंने मुड़ मुड़ कर उसको देखा और बोला, तुम रुको। वो दो शब्द में वो आत्मा जाग गई, उसके दृष्टि में और उनके शब्दों में इतनी प्योरिटी थी, इतनी सत्यता थी। हाँ, जब भी ऐसा एक्सचेंज होता है दो सोल्स का, तो एक मिरर होता है, उस मिरर में क्या दिखता है? तो ऐसे जो महान आत्माएं होती हैं, जैसे हम सुनते हैं ब्रह्मा के पास जाते ही जो भी मन में लोग अपना द्वंद्व, प्रश्न, ये सब लेके जाते थे, हलचल, तो उनके सामने जाते ही वो सब साइलेंस हो जाता था, शांत हो जाता था, भूल जाते थे कि क्या प्रश्न था। क्योंकि ऐसे जो बिल्कुल उस दिव्यता का, पवित्रता का एक ऑरा में आ जाते हैं, उनके आगे दूसरी सोल्स अपनी प्योरिटी को देख पाती है, अपनी प्योरिटी से कनेक्ट हो जाती। तो हर आत्मा में दिव्यता है, पवित्रता है, अच्छाई है, सिर्फ क्या चाहिए, उसको अवेकन करना है, उसको सिर्फ उभारना है, उसको अनुभव करना है। तो इसीलिए ये जो डिवाइन प्रोटेक्शन है, ट्रू प्रोटेक्शन, डिवाइन लव, वो डिवाइन लव क्या होता है? दुनिया में अलग अलग लव तो हमने अनुभव किए, स्वार्थ है उसमें, कोई ना कोई मोह है, अटैचमेंट और लव में बहुत फर्क है, ये सब हम सुनते हैं, लेकिन डिवाइन लव क्या है? परमात्मा, हम आत्माओं से किस तरह लव करते हैं? वो अनकंडीशनल है और नॉन जजमेंटल है। नॉन जजमेंटल क्यों? क्योंकि वो परमात्मा है। एक तो उन्हें हर एक का सत्य हर समय दिखता है। हम कौन हैं? जैसे बताए ना, हम हीरा हैं, हीरे पे मिट्टी चढ़ी हुई है, लेकिन कहते ना, जौहरी जो है हीरे को देखकर परख, वो एक, आप एक रफ खान से एक जेम स्टोन लेके आओगे, जौहरी परख जाएगा कि ये क्या है, चाहे उस पे मिट्टी लगी। तो परमात्मा की नजर में हम सब कौन है? प्योर सोल है,
उसके अलावा कुछ देखते ही नहीं। हाँ, उन्हें पता है कि अभी इस पे मिट्टी है, लेकिन वो हमें उस रूप से नहीं देखते। हमारा जो ओरिजिनल इटर्नल सत्य है या जो वर्थ है, उस रूप से देखते हैं। तो इसीलिए नॉन जजमेंट बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारे अंदर सबसे बड़ी जो आज के दिन इम्प्यूरिटी कहो, हाँ, मैल कहो, वो कहाँ से आता है? हमारी जो दृष्टि है वो शुद्ध नहीं। नहीं, हमको हर एक को देख के कोई हमारी फाइल खुल जाती, जो इम्प्रेशंस बन गए, ये ऐसे वैसे, इनके साथ ये हुआ, जो भी है, ओल्ड फाइल्स, ऐसा होता है ना, दोष दृष्टि है, जज करते हैं ना हम, जजमेंटल हैं। पर गॉड नॉन जजमेंटल है, क्योंकि गॉड के सत्यता में इतनी शक्ति है, वो हमें जो भी अभी हमारे काल चक्र में, हम जिस भी स्थिति में हैं अभी, किसी भी परिवर्तन की प्रक्रिया में, लेकिन गॉड हमें हमारे उस संपूर्ण स्वरूप में देखते हैं। तो इसीलिए नॉन जजमेंटल, वो हमें पूरा स्वीकार करते हैं कि हम हैं ही उनके बच्चे, उनकी रचना है। तो कोई भी अपनी रचना को तो ठुकराएगा नहीं ना, परफेक्ट ही, गॉड तो परफेक्ट है, तो हम भी हैं परफेक्ट। लेकिन ये रियलाइज करना है, सिर्फ इंटेलेक्चुअली दिमाग से समझना नहीं, इसको रियली खुद भी स्वीकारना। तो वो जो लव है वो कैसे अनुभव होगा? और दूसरा, जैसे बोला, नॉन जजमेंटल और कैसा लव है? अनकंडीशनल। हाँ, ऐसा नहीं कि ऐसा आप करोगे, ये तो हमने ऐसी कहानियां बनाई, गॉड पनिश करेगा, ये करोगे तो। देखो, गॉड हमारे कार्मिक जो जर्नी है उसमें मेडल नहीं करते, वो एक अलग ही एक सब्जेक्ट है। जैसे आप भी पेरेंट्स हो, इसमें से जितने लोग बैठे हैं, आपके भी फैमिली है, बच्चे हैं, आप देखिए बच्चों के साथ क्या करते हैं, उन्हें पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं और लायक बनाते हैं। उनके हर चॉइस में आप मेडल करते हैं क्या? कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आप उन्हें हर टाइप की फैसिलिटीज दे सकते हैं, सपोर्ट दे सकते हैं, लेकिन वो क्या बनेंगे, क्या चॉइस करेंगे, कुछ तो उनका खुद का होगा ना। तो परमात्मा हमारे कर्मों में मेडल नहीं करते हैं। कर्म का लॉ अलग है, इस यूनिवर्स में कई लॉज हैं, स्पिरिचुअल लॉज भी कई हैं, जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, लॉ ऑफ कर्मा है, लॉ ऑफ क्रिएशन है, ऐसे अलग अलग लॉ है। तो लॉ ऑफ कर्मा क्या है? कि जो हम बोएंगे वही हम काटेंगे। तो वो एक ऑटोमेटिक मशीनरी चल रही है, उसमें गॉड ऐसे कोई फेवरेटिज्म नहीं करते, अच्छा इसको मैं माफ करूं, इसको ये नहीं। जब हम प्रेयर करते हैं दिल से, हाँ, या कुछ भी भक्ति करते हैं या मेडिटेशन करते हैं, तो क्या होता है, हमारी एनर्जी अच्छी हो जाती है, उसके कारण कुछ अच्छा हम अट्रैक्ट करते हैं। समझ रहे हैं? जब हम कहते हैं कि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, का मतलब क्या है? परमात्मा हर समय हमें ब्लेस कर सकते हैं ताकि हमारी बुद्धि सही निर्णय करे, हम अच्छा चॉइस करें, बाकी वो पूरा होमवर्क हमारे लिए नहीं कर सकते। सबसे हमारी बुद्धि अच्छाई की तरफ जाए, गॉड की तरफ जाए, गुडनेस की तरफ जाए, और हम सही कर्म करें, इसके लिए परमात्मा हेल्प करते हैं। हमें वो शक्तियां, गुण, ज्ञान देकर हेल्प करते हैं। जो कर्मों का भी निदान होता है वो सब अलग एक। तो यहाँ जो बात हो रही है कि परमात्मा का लव अनकंडीशनल है, वो
हर एक आत्मा को दे रहे हैं, क्योंकि वो दाता है, सदगति करने वाले हैं। और खास इस समय जब कलयुग का अंत, सतयुग का आदि का समय चल रहा है, इसको यहाँ हम लोग कहते हैं संगम युग। तो ये कल्याणकारी युग चल रहा है और इसमें परमात्मा स्वयं बहुत एक्टिवली मनुष्य आत्माओं को जगाने का कार्य कर रहे हैं, ताकि उनकी डेस्टिनी सदगति हो, मुक्ति हो, जीवन मुक्ति हो। तो पवित्रता और गॉड, ये रक्षाबंधन का जो लिंक है पवित्रता से, कि हम अपनी पवित्रता की रक्षा करें तो परमात्मा हमारी रक्षा करेंगे। तो बंधन जो बताया, बंधन वो जो धागा बांधते हैं ना, वो धागा किस लिए बांधते हैं? वो धागे को देख के कुछ याद आएगा, कमिटमेंट है, व्रत है, एक वाओ बोलते हैं ना, एक एक प्रण है अपने साथ। क्या कमिटमेंट हम क्या करते हैं? जो बुराइयां हैं, नेगेटिविटी है, जिससे हम खुद अपना अपने को क्या कर रहे हैं, अपने लिए सफरिंग क्रिएट कर रहे हैं। देखो, कोई भी कर्म जिसमें कोई ना कोई विकारों का अंश है, वो हमें दुख जरूर देगा। ये तो कर्मों का लॉ है। हम खुद को नहीं रोक पाते वो अलग बात है, लेकिन गुस्सा कर लिया, कुछ भी कर लिया रॉन्ग, लेकिन जो भी किया उसकी सफरिंग तो आती है। तो हम अपने साथ ये जो बंधन बांधते हैं, कि मन से, वाणी से, कर्म से हम ये नहीं करेंगे, वो ही सबसे पहला रक्षा का कदम है। क्योंकि आप देखो दुनिया में क्या हो रहा है, लोग कर रहे हैं गलत कर्म। बहुत लोग ये प्रश्न करते हैं कि जो गलत कर रहा है वो तो आगे बढ़ रहा है, और जो अच्छा कर रहा है वो सफर कर रहा है, ऐसे बोलते हैं ना। तो ऐसा है क्या? एक हायर लॉ भी है। ऐसा नहीं है कि जिसने हमारा गलत किया तो उसका हमसे ही कुछ बदला होगा, ऐसा नहीं होता, या वैसा ही उसको दंड मिलेगा, ऐसे नहीं होता। कर्मों का खेल बड़ा विचित्र है, वो कब किसके पास, जैसे शिवानी बहन समझाती है ना, आपने एक बॉल फेंकी, लेकिन वो वापस कब आएगी, किस डायरेक्शन से आएगी, वो आप नहीं जज कर सकते। आएगी जरूर, मतलब कोई भी कर्म हम कर रहे हैं उसका जो नेगेटिव फल है वो किसी भी रूप में आएगा, बट सफरिंग तो होगी, क्योंकि ये बैलेंस तभी होता है ना कर्मों का, कोई ना कोई सफरिंग तो आएगी, तो वो एक अलग बात है। तो ये जो बंधन हमें बांधना है इतनी प्योरिटी का, इसीलिए हम लोग रक्षाबंधन को ऐसे ही नहीं बांधते। हम बहनों की भी राखी होती है, हम भी हर साल राखी बांधते हैं, अब मना हमें जो और दीदियां हैं वो बांधेंगी, लेकिन हम उसके पहले 21 दिन, 40 दिन का एक वो लेते हैं, एक संकल्प होता है, तैयारी होती है अपनी। ऐसे ही थोड़ी बांध देगा भगवान राखी, क्योंकि ये रक्षा का सूत्र परमात्मा, जिन्हें हम शिव बाबा कहते हैं प्यार से, क्योंकि वो हमारे पिता हैं, तो बाबा हमें ये राखी बांधते हैं कि हे आत्मा पवित्र बनो। क्योंकि जब तक विकारों में या नेगेटिविटी में इंडल्ज करते रहेंगे, जैसे आप अपने बच्चों को कहते हो ना, भाई अगर आप गलत करोगे मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा, ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे ही परमात्मा भी हम बच्चों को समझाते, कर्मों का लॉ ऐसा है कि आप अपनी प्योरिटी को बचाओ, बाकी मैं देख लूंगा। तो इसमें बहुत गहराई है, क्योंकि जैसे ही आप एक एक स्टेप लेते हैं,
कि मुझे, चलो आपने ये सोचा, मुख से मुझे कोई भी अपशब्द नहीं बोल, किसी को दुख नहीं देना, तो वाणी पे कंट्रोल हो गया। फिर आपने आगे और स्टेप लिया कि मन में भी आता है किसी के लिए, बट तुरंत मुझे शुभ भावना, शुभकामना करनी, ये करना है। तो और एक स्टेप आगे बढ़ गए। तो जैसे जैसे आपकी वाइब्रेशंस प्योर होती जा रही हैं, आप ऊपर जा रहे हो, वाइब्रेशनली एसेंड हो रहे हो, तो एक और लॉ है ना कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। पवित्रता पवित्रता को खींचेगी, भगवान के प्यार को भी खींचने के लिए हमें खुद को एक वाइब्रेशन में लाना होगा, लाना होगा ना। सिर्फ पुकारते रहें और कुछ भी सोचें, कुछ भी बोलें, कुछ भी करें, ऐसे नहीं हो। जैसे डॉक्टर के पास जा रहे हैं कि ये यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो, डॉक्टर पूछते हैं आप क्या, ये भी शराब भी पी रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, या ये जंक फूड खा रहे हैं, तो डॉक्टर क्या बोलेंगे, छोड़ो, तभी तो दवाई काम करेगी। तो गॉड ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, लेकिन वो ब्लेसिंग्स काम कब करेंगी, जब खुद के मन चित दिल को हम प्योर बनाएंगे। क्योंकि जिस दिल में कुछ भी, बाबा कहते हैं कचरा है, कचरा मींस कुछ भी नेगेटिव है, उसमें मैं कैसे वास करूंगा। जिस मन में बहुत सारी बातें हैं उसमें मैं कैसे वास करूंगा, नहीं। तो रक्षाबंधन का बहुत डीप स्पिरिचुअल मीनिंग है। इन ऑर्डर टू कनेक्ट टू गॉड, वी हैव टू कनेक्ट टू आवर प्योरिटी। फिर चाहे कारण कुछ भी है, कोई कुछ भी करे, ये होता है प्रण। आपने धागा बांध दिया माना, आपको प्रण पूरा करना हो, जितना आप दृढ़ होंगे, सोच में तो नहीं पड़ गए, पता नहीं हमें क्या करना पड़ेगा आज ये तो हम समझा रहे हैं कि यहाँ कोई भी फेस्टिवल ना हम ऐसे ही सेलिब्रेट नहीं करते, उसका एक डीप स्पिरिचुअल मीनिंग होता है। रक्षाबंधन, दिवाली, शिवरात्रि, होली, ये सब बड़ा डीप गॉड के साथ सोल का बहुत डीप कनेक्शन है। तो वो प्योरिटी को आज हम प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हैं। तो आप सबको एक स्लिप दिया होगा ना, वो जो सबको दिया है, तो किस लिए दिया है, कि राखी बांधेंगे तब तक आप उसमें एक संकल्प लिखिए कि आज क्या छोड़ना है या क्या अच्छा धारण करना है, क्या छोड़ेंगे। क्योंकि बहन राखी बांधते है, भाई सोचते है, अच्छा कुछ निकाल के रख दें, वो तो बड़ा इजी है, हम बोलते नहीं अंदर जो है वो निकाल के रखो तो बड़ा मुश्किल है कई लोग पूछते हैं क्या आपको ऑफर करें, वो तो इजी है मटेरियल, लेकिन हम बोलते हैं अच्छा आप गुस्सा गुस्सा दान कर दो, चुप हो जाते हैं मतलब एक एग्जाम्पल दे रहे हैं हर एक अपने लिए, क्योंकि जब हम हिम्मत रखेंगे गॉड हेल्प करेंगे, करेंगे ना। तो प्रोटेक्शन के स्टेप्स क्या हैं, एक विजन, एक इंटेंशन, कौन से ऐसा एक हैबिट है या एक आदत है जो मैं बहुत टाइम तक पाला, अब उसको विदा करें, हमें भी नहीं अच्छा लगता, देखिए होगा ना हम सबके पास कुछ ना कुछ ऐसा, हमें नहीं अच्छा लगता, चाहे हम उंगली दिखाते हैं इस कारण बट वी वॉन्ट टू नाउ, क्योंकि लाइफ में चेंज नहीं है तो मजा कहाँ है। हाँ, रोज सोल को एक और ये हर दिन एक मौका मिल रहा है, आप इसको ऐसे देखिए कि रोज हम उठ रहे हैं, रोज हम वही वही मतलब एक्टिंग रिपीट करें,
हम इंटेलिजेंट बीइंग्स है ना, हम सबको बुद्धि मिली है ईश्वर से। बुद्धि का काम क्या है? परखना और निर्णय करना, टू मेक अ चॉइस। बट लेट्स मेक एन इन्फॉर्म्ड चॉइस। चॉइस माना ये नहीं मेरा मन जो कर रहा है मैं करूं, वो तो चॉइस है, लेकिन मेक एन इन्फॉर्म्ड वाइज चॉइस। वाइज चॉइस क्या है? पॉजिटिविटी की तरफ जाए ना। अब तक मैंने जो इमोशनल या मेंटल पैटर्न्स रिपीट किए, उसमें से कोई भी एक पैटर्न को चेंज करने का चॉइस पॉसिबल है? पॉसिबल है ना। मेरे आसपास जो लोग हैं वो चेंज नहीं होंगे, वो वैसे ही रहेंगे। गॉड आपको पास में बैठ के समझाते हैं, देखो आपकी ये जो स्टोरी है ना, ये ऐसे ही चलेगी, पर आपको क्या करना है ये आप डिसाइड करें। एक्स वाई जेड ये जो आपके साथ है वो कैसे भी रहेंगे, उनकी बात नहीं हो रही, लेकिन आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? क्या आप सफरिंग, पूरे जीवन सफरिंग को रिपीट करना चाहते हैं? देखिए, जब गुस्सा आता है या जब हम गुस्सा करते हैं या अपसेट होते हैं, हर्ट होते हैं, कोई भी ऐसा एक सेंटिमेंट हमारे अंदर आता है, तो सफर कौन कर रहा है? हम ही कर रहे हैं ना। और उसका हेल्थ पर भी असर आता है, तो मुझे सफर नहीं करना है, ये भी एक प्रण है अपने साथ, क्योंकि मैं तो गॉड का बच्चा हूं, शांत खुश सदा आनंद में प्रेम में रहने वाली आत्मा। ऐसा लाइफ इमेजिन करिए अपने लिए, कितनी अच्छी लाइफ है। तो वो डिग्निटी अपनी, उसको क्लेम करें ना। ये सेल्फ डिग्निटी क्या है, कि हम कौन है, किसके बच्चे हैं, तो हमारी डिग्निटी क्या है? पल पल हमारा शांति खुशी आनंद गायब हो रहा है, वो हमारी डिग्निटी नहीं है। गॉड के बच्चे पावरफुल बच्चे हैं, तो पावर क्या है? यही पावर कि कुछ भी हो, परिस्थिति कुछ भी हो, हमारी स्वस्थिति जो है, जैसे बोला ना चंदन है हम, चंदन की खुशबू रहेगी आसपास कुछ भी हो, तो इसके लिए थोड़ा अंदर ट्रेन करना पड़ता है अपने को, अपने माइंड को, अपने भावनाओं को, अपने फीलिंग्स को। रोज चेक करते हैं, अपग्रेड करते हैं, उसको साफ करते रहते हैं, तो एक दिन ऐसा आता है कि आपका वो स्टेबल हो जाता है। फिर आप कुछ भी हो आसपास, कोई भी वाइब्रेशन हो, आपकी वाइब्रेशंस कैसी रहती हैं? हमेशा शांति की, खुशी की, आनंद की, प्रेम की, शुभ भावनाओं की। शुभ, एक ही वर्ड ले लीजिए, शुभ। अपने लिए भी शुभ, औरों के लिए भी शुभ। तो करेंगे सभी, तो प्रोटेक्टेड ही है, सिंपल है ना। अगर आप वाइब्रेशनली शुभ वाले उसमें हैं, तो कोई आपको अशुभ भेज रहा है बहुत, बट आपका ऑरा उसको अलाउ ही नहीं करेगा। इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। जैसे हेल्थ के लिए हम कितना ध्यान रखते हैं ना, ध्यान रखते हैं, रखना पड़ता है, नहीं तो आज हेल्थ तो ऐसे गिफ्ट में मिलती नहीं है किसी को, बहुत पुण्य चाहिए उसके लिए। तो रखते हैं ना ध्यान, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कैसी हवा ले रहे हैं, सब रखते हैं ध्यान। ऐसे अपने मेंटल इमोशनल स्पिरिचुअल हेल्थ का ध्यान रखते, वॉट वी वॉच, वॉट वी रीड, द कंटेंट वी कंज्यूम, उसमें भी फिल्टर्स चाहिए। क्योंकि अगर अंदर मेडिटेट कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, लेकिन बाहर से और कचरा आ रहा है, तो सफाई नहीं होगी ना। तो ये सब ध्यान रखना है, एक लाइफस्टाइल है ये, प्रोटेक्टेड लाइफस्टाइल, प्रोटेक्शन। जितना जरूरी है, जो चीजें आपके खुद के कंट्रोल में है,
वो एनवायरनमेंट को आप सैनिटाइज करिए. व्हाट यू वॉच, व्हाट यू रीड, व्हाट यू लिसन टू, द काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशंस यू एंगेज इन, वो रेगुलेट करिए. वो भी अगर साधारण है ना, जैसे सब सोच रहे हैं ऐसे हम सोच रहे हैं, जैसे सब बात करते हैं हम. आप देखो दुनिया में नेगेटिविटी वो जो एक्सट्रीम वाली है वो कम है. जो जनरली लोग होते हैं ऐसा थोड़ी हर टाइम गाली दे रहे हैं, ऐसा तो कोई होता है. कभी कभी दे रहे हैं वो अलग होंगे, हर टाइम अब्यूज करे ऐसा नहीं होता है. लेकिन एवरेज नेगेटिविटी कहाँ आती है? अगर आप लोगों का कॉन्वर्सेशन सुने, नेगेटिविटी हमारे थॉट्स में या हमारे बोल में कैसे आती? साधारण रूप में आती है. जैसे लेट्स से बाहर निकले, ओहो हो इतना ट्रैफिक है, दिल्ली में तो बुरा हाल है, अभी बारिश हो गई, और वी आर, अभी हम भी कर रहे थे, वी आर टॉकिंग की फ्लडिंग होता है और ये होता है, ये अथॉरिटीज ऐसे हैं वैसे हैं, सो वॉट एवर, दिस इज नॉट पॉजिटिव. अभी इस टाइम बहुत प्योर वाइब्रेशंस तो नहीं आ रहे ना, लोग काम नहीं करते, ये मतलब वी आर जनरली टॉकिंग, हम सोच रहे हैं कि हम जनरल बात कर रहे हैं, बट इट्स नॉट पॉजिटिव, ये भी शुभ नहीं है. तो क्या है, थोड़ा 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 ऐसे हो के ना हमारी जो पावर है वो बैटरी खाली हो जाती है. तो हमें इतना ध्यान रखना है कि जैसे सब सोच रहे हैं, सब बोल रहे हैं, सब चल रहे हैं, उससे ऊपर ऊपर जाना है, एवरेज नहीं चलेगा. वाइब्रेशनली हम ह्यूमन बीइंग्स, स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं ये सब बोलते हैं, बट इसको और एक वर्ड यूज करते हैं, वी आर वाइब्रेशनल बीइंग्स. आप जिस वाइब्रेशन में जब हैं आप वैसा कर्मा और एक्सपीरियंस अट्रैक्ट कर रहे हैं. तो ध्यान रखना है हमारे आसपास क्या होगा उस पे हमारा कंट्रोल, लेकिन हम किस वाइब्रेशन में रहें इसकी तैयारी, इसका पूरा रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है. तो हर एक अपनी तो ले सकते हैं ना, रेस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं, ले सकते हैं ना. गुस्सा दिलाने वाले आपको मिलेंगे हर हफ्ते, अपसेट करने वाली बातें आएंगी रोज, जो चीजें आपको अपने फैमिली मेंबर्स में, स्टाफ में, ऑफिस में, नेबरहुड में अच्छी नहीं लगती वो रोज दिखेंगी, रोज ही दिखेंगी. लेकिन आपको अपने अंदर क्या करना है? जो व्यक्ति अपने लिए कोई गोल सेट करता है, वो कहते हैं ना, इफ यू स्टैंड अप फॉर समथिंग यू विल नॉट फॉल फॉर एनीथिंग. तो हम दो यात्रा में है, कार्मिक एक स्पिरिचुअल. कार्मिक जर्नी तो हर एक को पता है, रोज उठ के हम सोचते हैं अच्छा आज क्या क्या करना है, ये मीटिंग ये मीटिंग, ये करना है, ये करना, ये करना, व्हाट इज इट दैट आई हैव टू डू, वो लिस्ट सामने आती. बट स्पिरिचुअल जर्नी में क्या पूछना होता है, व्हाट इज इट दैट आई हैव टू बी. बी माना सब कुछ करते हुए, व्हाट एम आई बीइंग व्हाइल डूइंग समथिंग. सुबह उठ के हम एक ग्लास पानी पी रहे, एक्सरसाइज कर रहे, हेल्दी फूड खा रहे, लेकिन अंदर से क्रिप कर रहे या मन मार के कर रहे हैं, या बस जल्दबाजी में कर रहे हैं क्योंकि करना है, मजबूरी में कर रहे हैं, कंपल्शन में कर रहे हैं, रोज हम काम कर रहे हैं 8 घंटे 10 घंटे, बट इज इट विथ जॉय और कंपल्शन या स्ट्रेस? वही वाइब्रेशंस शिफ्ट हो जाते हैं ना. तो वी आर वाइब्रेशनल बीइंग्स. तो डे इन एंड डे आउट हर सोल के पास ये चॉइस है. तो डिवाइन प्रोटेक्शन जो है ये करना है हमें.
कि अपने लिए हर दिन आप अपना एक विजन लीजिए, जो बीइंग और डूइंग का बैलेंस है. व्हाइल डूइंग एनीथिंग, व्हाट एम आई बीइंग? एम आई बीइंग पीस, जॉय, लव, पॉजिटिविटी? क्या है पावर, विजडम? कुछ तो जो आत्मा की नेचर है उसको इमर्ज करना है. गॉड कहते हैं ये सब आपके अंदर है, बस उस क्वालिटी को क्या करो, इमर्ज करो. मतलब अपने कॉन्शियस एक्सपीरियंस में लाओ. तो जो सोल इसमें बिजी है, उसके पास उसका ऑरा अपने आप ही स्ट्रांग होता जाता है, और फिर वो देख ही नहीं रही कौन क्या कर रहा है. हाँ, वो वल्नरेबल होगी नहीं किसी के उस नेगेटिव. समझ रहे हैं आप रिएक्ट करना बंद कर देंगे, क्योंकि आप क्रिएट करने में ही बिजी हैं. आप अपनी शांति, खुशी, शुभ, पॉजिटिविटी क्रिएट या सस्टेन करने में ही इतने बिजी हो, तो सामने से कुछ आ भी रहा है तो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप अब इस इधर हो और वो इधर है. और गॉड किसको मिलेगा? तो डिवाइन लव के लिए यहाँ एक हमको स्लोगन मिलता है, परमात्मा का प्यार चाहिए तो न्यारे बनो. किससे न्यारे बनो? किससे न्यारे बनो? यही जो फॉल्स आत्मा को एक फॉल्स फीलिंग आ गई कि मैं ये हूं, मैं बॉडी हूं, मैं रोल हूं. हम रोल नहीं है, हम सोल हैं. तो वो जो झूठा एक ईगो सेंट्रिक आइडेंटिटी है, जिसको हम कहते हैं देहे अभिमान, देहे के साथ या जो रोल है हमारा, हम अपने को वो समझते हैं, वो हम नहीं है, वो हम रोल प्ले कर रहे हैं. मैं सोल हूं जो ये रोल प्ले कर, फर्क है ना दोनों में. जैसे एक्टर है, ये रोल प्ले कर रहा है. तो न्यारा बनना है मतलब अपने ट्रू आइडेंटिटी में रहकर अपना कर्म करना है. न्यारा मतलब ये नहीं कि दुनियादारी छोड़ देनी, लोगों को छोड़ देना है, नहीं. सबके सब कुछ करते हुए अंदर से, जैसे राजा जनक का है ना, अष्टावक्र और जनक की स्टोरीज पढ़ी हैं आपने, उसमें क्या बताया? राजा जनक विदेही थे. कैसे विदेही बने? ही वॉज अ किंग, सब कुछ करते थे, राजा ही ठाट में रहते थे, लेकिन उनको संत माना जाता था, क्योंकि अंदर से वो कभी भी किसी चीज से आइडेंटिफाई नहीं करते थे. मैं राजा हूं, नहीं, मैं राजा का रोल प्ले कर रहा हूं. दोनों में अंतर है ना. तो हम इस बॉडी में हैं, ये रोल प्ले कर रहे हैं, हम ये नहीं है. ये जब समझ में आने लगता है तो न्यारापन आएगा, और वो न्यारापन हमें परमात्मा से हमेशा कनेक्ट करेगा. तो इसके लिए मेडिटेशन सीखिए. मेडिटेशन का यही स्टेप्स है, हु एम आई, हु डू आई बिलोंग टू, व्हाट एम आई डूइंग. उस ट्रुथ में रहकर जीवन यापन करना, यही राजयोग है. तो मेडिटेशन जब हम ये सीखते हैं, तो वो हर समय एक जो हमारे अंदर एक जीने का तरीका है, जिसको हम कहते हैं निमित भाव, इंस्ट्रूमेंट कॉन्शियसनेस. मैं उसका हूं और क्या हूं? निमित हूं. वो करण करावन हार है, हम करण हार है. वो मैं और मेरा वाला जो अहम भाव या अटैचमेंट का भाव है, वो सब डिसॉल्व होने लगता है, क्योंकि सब उसका है, हम भी उसके हैं. हाँ, हमने कुछ अच्छा किया तो उसमें भी मैंपन नहीं, क्यों? क्योंकि उसने कराया. तो जब हम ये संबंध रिश्ता जोड़ते हैं, फिर तो हमेशा ही प्रोटेक्टेड है. तो पहला है आत्मा अपने ट्रुथ में जब आती है तो वाइब्रेशनली प्रोटेक्ट होने लगती है,
लेकिन जब ये भी संबंध आ जाता है कि मैं किसका हूं और यहाँ उसके निमित्त हूं, फिर तो टोटल प्रोटेक्शन है। नहीं, आप देखो फियर कहाँ से आता है। फियर का बीज है अटैचमेंट, और अटैचमेंट का बीज क्या है? अज्ञान, स्वयं का अज्ञान और जो भी ये सत्य है उसका अज्ञान। नहीं, जब तक वो नहीं बोला अरे वो देखो जल रहा है, घर जल रहा है, हाँ किसी का जल रहा है, अरे नहीं तुम्हारा घर जल रहा है, अरे मेरा, तो वहीं खत्म हो जाएंगे। तो जहां मेरा आएगा, पर इसके लिए भी लंबा ट्रेनिंग चाहिए। बहुत काल से हम अपने अंदर ये भाव, जब इसको इस भाव से जीते हैं कि सब उसका है, हम भी उसके हैं, निमित्त हैं, और जो भी हम कर रहे हैं वो सेवार्थ है, उससे कल्याण हो। तो ये जब जीने का एक फिल्टर हमारे लिए होता है, प्रोटेक्शन ही प्रोटेक्शन है। नहीं, और जब हम इतना समर्पित होते हैं तो डिवाइन लव के अलावा क्या रहेगा? लोगों का प्यार चाहिए, आत्माओं का प्यार भी आप देखो, जहां सत्यता है वहां प्यार अपने आप आएगा, जहां प्यूरिटी होगी ना वहां प्यार अपने आप आएगा। स्वार्थ वाला नहीं, निस्वार्थ, क्योंकि ये सब बोला ना वाइब्रेशनली कनेक्टेड है। जैसे इंद्रधनुष के सात कलर, सात रंग हैं, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ना, ऐसे ही गुण भी जुड़े हुए हैं। तो परमात्मा का प्रेम क्या है? वो सिर्फ सुनने की बात नहीं है, हम सब उस प्रेम के अधिकारी हैं, क्योंकि हम बच्चे हैं। तो परमात्मा से संबंध जोड़ना है तो स्नेह अनुभव हो। आप देखो जिसको हम मेरा कहते हैं तो प्यार शुरू होता है ना, अरे तुम मेरे दोस्त हो, मेरे भाई हो, मेरे बंधु हो, जब हम स्वीकार करते हैं किसी को या समर्पित होते हैं, तो प्रेम संबंध से स्नेह पैदा होता है ना। तो प्रेयर या मेडिटेशन एक रिचुअल की तरह नहीं करना है, दिल से करना है। तो इतने समय में जो विचार परमात्मा से मिले वो आपको शेयर किया। बहुत थैंक्स रमा दीदी का, कि कितने अच्छी तरह से जो आज का विषय है वो हमारे सामने हमें समझाया, हम सभी को गाइड किया। अब मैं हमारे बीच में जो रिस्पेक्टेड आदरणीय श्रीकांत वैद्य जी हैं, मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आप स्टेज पर आए और अपने भी शुभ विचार हमारे बीच में रखें जी। मिसेस अपने ग्रीटिंग्स हमको दें, यहाँ आइए प्लीज। और मिसेस वैद्य से भी मैं अनुरोध करूंगी, प्लीज प्लीज। थैंक यू वेरी मच मुझे यहाँ बुलाने के लिए। सेकेंडली, रमा दीदी ने जो लेवल पे आपको ले गए हैं, मैं आपको वहां से नीचे नहीं ला सकता, बिकॉज आई एम टिपिकली जो हम लोग बिजनेस में है, तो अभी वी आर वर्क इन प्रोग्रेस। जो इन्होंने बताया अभी, वी आर मेनी थिंग्स टू लर्न, बिकॉज मेनी थिंग्स हम डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज में वी फाइंड दैट दे बिकम टू आइडियलिस्टिक अगर हम करना चाहें तो। बट ऑब्वियसली देर इज लॉट ऑफ मेरिट दैट वी शुड डू ऑल दैट। और रही ब्रह्म कुमारी ग्रुप, उसके बाद हमारी एसोसिएशन इंडियन ऑयल काफी हद तक हमारी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में, हमने आपके जो हॉस्पिटल्स हैं, कई हॉस्पिटल्स, उसमें वी हैव डोनेटेड लॉट ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट्स। वी हैव डोनेट इन पानीपत, हमने माउंट आबू के बेस पे जो हॉस्पिटल है वहां भी हम देते हैं। तो वी आर क्लोजली एसोसिएटेड विद दिस ग्रुप, क्योंकि हम फर्मली बिलीव करते हैं कि जो भी कार्य यहाँ से हो रहा है उसमें बहुत सारी वैल्यू है। और जैसे आपने कहा कि हमारी सीनियर लीडरशिप टीम या हमारे कई ऑफिसर्स को हम ट्रेनिंग प्रोग्राम में भेजते हैं बेसिकली ऑन एथिक्स, बिकॉज अ कंपनी ऑफ द साइज ऑफ इंडियन ऑयल, अनलेस दैट वैल्यूज एंड एथिक्स आर री एम्फसाइज अगेन एंड अगेन, आई मीन दिस कंपनी कैन नॉट फंक्शन। तो हमारे एथिकल ट्रेनिंग पे काफी जोर होता है। देन डिस्कवरिंग ऑफ द सेल्फ एंड हाउ टू मैनेज योर सेल्फ, आई मीन इसकी भी कई ट्रेनिंग होती है। जैसे सिस्टर शिवानी कहती है कि डोंट रिएक्ट, यू शुड रिस्पॉन्ड। सो
So I think these are the trainings what we are normally giving to our employees in a very big way और regularly होती है. इनफैक्ट माउंट आबू में भी हम लोग का एक सीनियर लीडरशिप का जो प्रोग्राम होता है वहां भी हमारे लोग जाते हैं. आई माई सेल्फ हैव विजिटेड माउंट आबू. इट वॉज अ वेरी ट्रूली डिवाइन एक्सपीरियंस. जो वहाँ का पांडव भवन या ज्ञान सरोवर एंड मधुबन जो आपका है टोटल कॉम्प्लेक्स, आई मीन दैट इट सेल्फ गिव्स यू सच अ ग्रेट फीलिंग एंड यू रियलाइज दैट वी नीड टू बी मच मोर देन वॉट वी एक्चुअली आर. आज हम लोग पूरे जुड़े हुए हैं हमारे बिजनेस से, हमारे वॉट एवर शॉर्ट कमिंग्स आर देयर वी हैव टू लिव विद दैट, बट देन वी रियलाइज दैट वी नीड नॉट लिव विद दैट. वी कैन स्टिल डू एवरीथिंग बट स्टिल कम आउट ऑफ इट. सो आई थिंक ऑल ऑफ अस हु आर देयर वी आर इन वर्क इन प्रोग्रेस, बट लेट मी टेल यू दैट वी आर ऑल लुकिंग फॉरवर्ड टू समथिंग बेटर. इतना हम जानते हैं. और परसों मेरे ऑफिस में आके सिस्टर संगीता ने भी राखी बांधी थी मुझे, तब उन्होंने यही कहा था कि दिस इज द बॉन्ड बिटवीन यू एंड द ऑलमाइटी, बिकॉज वी ऑल नीड प्रोटेक्शन, एवरीबॉडी क्रेव्स फॉर प्रोटेक्शन एंड दिस थ्रेड रिमाइंड अस अगेन एंड अगेन दैट वी आर टाइड अप टू दैट सुप्रीम बींग. एंड दैट्स ऑल आई कैन से. आई एम एक्सट्रीमली डिलाइटेड. बहुत ही मुझे खुशी हो रही है यहाँ के आप लोगों के इंटरेक्शन और रमा दीदी के जो विचार सुने मैंने, दे आर डीपली मोटिवेटिंग एंड हाईली इम्पैक्टफुल. सो थैंक यू वेरी मच. स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। तो रमा दीदी से मैं अनुरोध करूंगी कि शॉल पहना के और ईश्वरी सौगात और टोली देके का अभिनंदन करेंगे। तो ब्रह्मा कुमारी परिवार की तरफ से पूरे इंडियन ऑयल जो कॉरपोरेट है उसको हम वेलकम कर रहे हैं। शुक्रिया आपका प्यारे प्रभु, शुक्रिया शुक्रिया आपका प्यारे प्रभु, शुक्रिया मुझको अमूल्य हीरो का इस तहे सजे हुए दरबार में बहुत बहुत अभिनंदन है, अभिनंदन है, स्वागत। सर जैसा आपको बोलेंगे आप उसको सुनते हुए अनुभव करिए. सभी स्ट्रेट बैठे, अपने बैक को स्ट्रेट रखेंगे. फोन को साइलेंट कर दें. अपना ध्यान अन्य सभी बातों से हटाकर कुछ समय के लिए अपने ऊपर फोकस करें. सबसे पहले अपने शरीर को रिलैक्स करें. शरीर की सब इंद्रियों को, मसल्स, नर्व्स, सारे शरीर को रिलैक्स होने दें. अपने चेहरे को रिलैक्स करें. सर के अंदर सब नसों को रिलैक्स होने दें. बिल्कुल हल्के लाइट हो जाएं. लेट गो ऑफ एनी स्ट्रेस, एनी हैवीनेस यू फील इनसाइड द बॉडी. एज यू ब्रीद इन, श्वास लेते हुए और गहरे रिलैक्सेशन में जाएं. मैं बहुत शांत, हल्का, रिलैक्स हो रहा हूं. रिलैक्स एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी. पूरी एकाग्रता से
अपना ध्यान अपने श्वास पर ले आए। हर श्वास लेते हुए आपका मन और शांत हो रहा है। कोई भी अन्य विचार अगर आए तो उसे साक्षी होकर देखें, उस विचार को आने दें, अपने आप चले जाए। Gently focus your attention at the center of the forehead, मस्तक के बीच। अपना ध्यान एकाग्र करें। और अपने बुद्धि से अपने सत्य स्वरूप को विजुअलाइज करें, एक पॉइंट ऑफ लाइट। मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूं। सारा दिन इस पांच तत्वों के शरीर में सोचने वाली, समझने वाली, इन इंद्रियों से कर्म करने वाली और सब कुछ महसूस करने वाली मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूं। अपने इस रूहानी स्वरूप को देखें। आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम अ स्पिरिचुअल बीइंग, अ बीइंग ऑफ लाइट। अजर, अमर, अविनाशी, मैं आत्मा इस समय सभी बातों के प्रभाव से मुक्त, बहुत शांत, हल्की, शांति के वाइब्रेशंस को महसूस करें। लेट दिस एनर्जी ऑफ पीस फ्लो इनटू एवरी सेल इन द बॉडी। मेरा मन भी शांत, इंद्रियां भी शांत। इसी शांत स्थिति में चलें इस दुनिया से पार, आकाश तत्व से पार, पृथ्वी से पार, अंतरिक्ष से भी पार, एक दिव्य प्रकाशमय लोक, ब्रह्म लोक, परम धाम, जहां चारों ओर एक डिवाइन लाइट और प्योर साइलेंस है, जहां परम पिता परमात्मा हम सबके परम रक्षक, हम सबको निरंतर शांति और शक्ति दे रहे हैं। क्योंकि मैं आत्मा उनकी संतान हूं, स्वयं को परमात्मा के सानिध्य में, उनके समीप महसूस करें। उनकी किरणें स्नेह शक्ति, रूहानी लाइट माइट दे रही है। मुझ आत्मा को ये ईश्वरीय वाइब्रेशंस
बहुत पावन शुद्ध बना रही हूं। स्वयं के दिल में ईश्वर का स्नेह शुभ भावनाएं उनकी दुआओं को समाए हमारे परम पिता हमें सदा सुखी संपन्न श्रेष्ठ और दिव्य देखना चाहते। मैं आत्मा उनकी संतान सदा उनकी छत्र छाया में हूं सुरक्षित हूं। God's light and love is surrounding me, guiding me. I'm always in His divine protection. इसी अनुभव को अपने अंदर समाकर फिर से अपने मन बुद्धि से वापस इस कर्म क्षेत्र में अपने इस रोल में इस क्षण में लौट आए। महसूस करें कि इस शरीर में आप एक शांति खुशी पॉजिटिव और प्योर फीलिंग से भरपूर एक एनर्जी है। चलते फिरते हर कर्म करते हुए स्वयं को देखें। यू आर रेडिएटिंग दिस पीस दिस पॉजिटिव वाइब्रेशन अराउंड यू। सदा अपने को परमात्मा की छत्र छाया में देखे। ओम शांति शांति शांति। का